खबर सिवान के सियासत से जुड़ी हुई है और खबर काफी बड़ी है। खबर यह है कि आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है और इसके बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह अपने घर जा रहे थे तभी अस्पताल मोड़ के समीप उन पे स्याही से हमला किया गया है और पूरे चेहरे पे स्याही भेज दिया डाल दिया गया है, जिससे उनके आंख में भी स्याही पड़ी है और वो काफ़ी उनका आँख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल आई स्पेशलिस्ट ने उनका इलाज किया है और वो खतरे से बाहर हैं। फिलहाल इस तरह की घटना को लेकर सिवान के राजनीति में काफ़ी चर्चा हो रही है और इसकी निंदा भी की जा रही है। तो आपको बड़ी खबर अभी बता रहे हैं कि सिवान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह पर हमला हुआ है, स्याही फेंके गए हैं उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर, और उसके बाद से उन्हें इलाज के लिए भेजा गया जहाँ उनका इलाज हुआ है और आँख जो है उनकी बच गई है। फिलहाल उनका आँख घायल है।